नमस्कार दोस्तों सुगम गैन चैनल में आपका स्वागत है और एक बार फिर मैं हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आज का हमारा वीडियो 20 से 26 दिसंबर 2021 करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों पर आधारित है तो आइए शुरू करते हैं पहला प्रश्न देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बीस दिसंबर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस संबंध में संकल्प 22 दिसंबर 2005 को पारित किया था इसके लिए 20 दिसंबर को प्रतिवर्ष यह दिवस मनाने की घोषणा की गई थी एक बार फिर से जान लेते हैं कि मानव अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस प्रतिवर्ष 20 दिसंबर को मनाया जाता है अगला प्रश्न देखते हैं हाल ही में टाइफून राय किस देश के समुद्री तट से टकराया तो इस प्रश्न का सही उत्तर है फिलीपींस हाल ही में श्रेणी पांच का तूफान राय फिलीपींस के तट से टकराया फिलीपींस में प्रवेश करने वाला इस साल का पंद्रहवां तूफान है आइए अगला प्रश्न देखते हैं किस राज्य ने हाल ही में खेल नर्सरी योजना शुरू की है तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हरियाणा हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने राज्य में खेल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खेल नर्सरी योजना को लॉन्च किया है हरियाणा के खेल और युवा मामलों के राज्य मंत्री संदीप सिंह ने इस योजना की शुरुआत की है आइए अगला प्रश्न देखते हैं राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहां पर हुआ तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उज्बेकिस्तान ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित इस चैंपियनशिप में भारत ने 16 पदक चार स्वर्ण सात रजत और 5 कांस्य पदक अपने नाम किए आइए अगला प्रश्न देखते हैं किस राज्य ने हाल ही में अपना राज्य गीत घोषित किया है तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तमिलनाडु हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने तमिल थाई बंजू तमिल थाई बजथू को राज्य गीत के रूप में घोषित किया है इसके गायन का समय 55 सेकंड है यह पदुचोरी का भी आधिकारिक गीत है यह सुंदर नार द्वारा रचित नाटक मनोनमनेयम से लिया गया है आइए अगला प्रश्न देखते हैं हाल ही में भांग के इस्तेमाल को मंजूरी देने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है तो इस प्रश्न का सही उत्तर है माल्टा हाल ही में माल्टा भांग के निजी इस्तेमाल को मंजूरी देने वाला यूरोप का पहला देश बन गया है माल्टा ने देश के वयस्कों को निजी इस्तेमाल के लिए घर में भांग के चार पौधे लगाने व सात ग्राम भांग ले जाने की मंजूरी दी है परंतु सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान करना या बच्चों के सामने धूम्रपान करने को प्रतिबंधित ही रखा गया है आइए अगला प्रश्न देखते हैं भारत ने राष्ट्रीय गणित दिवस किस तिथि को मनाया तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 22 दिसंबर यह भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है इनका जन्म 22 दिसंबर अट्ठारह ईस्वी में तमिलनाडु में हुआ था आइए अगला प्रश्न देखते हैं किस राज्य ने में हाल ही में तीन नए जिले बनाए गए हैं तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नागालैंड नागालैंड में बनाए गए तीन नए जिले हैं तिसेमिन्यू न्यूलैंड और चुमुकेदिमा इसके साथ ही नागालैंड में अब जिलों की संख्या पंद्रह हो गई है इससे पहले नोकलाक को एक साल पहले ही नया जिला बनाया गया था वर्तमान में नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो और राज्यपाल जगदीश मुखी हैं आइए अगला प्रश्न देखते हैं कार्ल नेहमर हाल ही में किस देश के नए चांसलर बने हैं तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति वॉन डेर बेलिन ने इन्हें चांसलर पद की शपथ दिलाई इस पद पर इन्होंने पूर्व चांसलर अलेक्जेंडर शैलिन का स्थान लिया है ऑस्ट्रेलियाई पीपल्स पार्टी के नेहमर देश के आंतरिक मंत्री भी रह चुके हैं आइए अगला प्रश्न देखते हैं भारतीय उच्चतम न्यायालय के किस विख्यात पूर्व न्यायाधीश का हाल ही में निधन हो गया तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जी टी नानावती गोधरा कांड और उन्नीस के सिख विरोधी दंगों की जांच के लिए बनाए गए आयोगों के नेतृत्वकर्ता गिरीश ठाकुर लाल नानावती का हाल ही में निधन हो गया सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश नानावती का छियासी वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है ये उन्नीस से 2000 तक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे आइए अगला प्रश्न देखते हैं भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 23 दिसंबर। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती को भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है ये 18 जुलाई उन्नीस से 14 जनवरी 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे इन्होंने किसानों के हितों के लिए नीतियां बनाई इस दिवस को मनाने की घोषणा 2001 में की गई थी उन्नीस सौ ईस्वी में यह उत्तर प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे आइए अगला प्रश्न देखते हैं भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत को किस राज्य ने अपना ब्रांड एम्बेस्डर बनाया है तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तराखंड उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत को राज्य का एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न देखते हैं। गेब्रियल बोरिक किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चिली 35 वर्षीय गैब्रियल बोरिक ने संसद में छप्पन प्रतिशत मत पाकर अपने प्रतिद्वंदी जोन एंटोनियो को हरा कर यह उपलब्धि अपने नाम की है आइए अगला प्रश्न देखते हैं हाँ। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रदीप कुमार रावत को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चीन वर्तमान में यह नीदरलैंड में भारत के राजदूत हैं यह उन्नीस बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं आइए अगला प्रश्न देखते हैं भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 24 दिसंबर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को इसी तिथि पर राष्ट्रपति की सहमति मिली थी इसके बाद 2019 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया था ध्यान रहे विश्व उपभोक्ता दिवस हर साल पंद्रह मार्च को मनाया जाता है जबकि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष चौबीस दिसंबर को मनाया जाता है आइए अगला प्रश्न देखते हैं जेड खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है तो इस प्रश्न का सही उत्तर है म्यांमार यह आभूषणों में इस्तेमाल होने वाला हरे रंग का पदार्थ होता है हाल ही में म्यांमार की एक जेड खदान भूस्खलन की चपेट में आ गई इसमें सौ से अधिक लोगों के लापता होने की आशंका है और एक व्यक्ति के मारे जाने की पुष्टि हुई है आइए अगला प्रश्न देखते हैं भारतीय वायुसेना ने किस राज्य में पहली एस चार वायु रक्षा प्रणाली को तैनात किया है तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पंजाब भारतीय वायुसेना ने पंजाब में पहली एस चार वायु रक्षा प्रणाली को तैनात किया है इस प्रणाली का अनुबंध भारत ने रूस के साथ पैंतीस हजार करोड़ रुपए में किया था यह 400 किलोमीटर तक के हवाई खतरे से निपटने के लिए पांच स्क्वाड्रन प्रदान करेगा आइए अगला प्रश्न देखते हैं भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पच्चीस दिसंबर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मतिथि है और इसे मनाने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2014 में की गई थी तभी हर साल 25 दिसंबर को यह दिवस मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी तीन कार्यकाल में भारत के प्रधानमंत्री रहे थे आइए अगला प्रश्न देखते हैं 2009 से 2019 तक भारत में बिजली के झटकों से हाथियों की सर्वाधिक मौतें किस राज्य में हुई तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ओडिशा हाल ही में केंद्रीय वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाथियों की मौत का आंकड़ा जारी किया गया है इसके अनुसार साल 2009 से 2019 तक भारत में बिजली के झटकों से कुल 600 हाथियों की मौत हुई इस तरह हुई मौतों के मामले में ओडिशा सीट्स पर है इनमें से 117 हाथियों की मौत सिर्फ ओडिशा राज्य में हुई इसके बाद 116 सौ सोलह मौतें कर्नाटक में और 105 असम में हुई आइए अगला प्रश्न देखते हैं हाल ही में किस देश ने अपने सभी परमाणु संयंत्रों को बंद करने की घोषणा की है तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बेल्जियम बेल्जियम की सरकार ने साल 2025 तक देश के सभी सात परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने का निर्णय लिया है इन्हें चरणवी तरीके से बंद किया जाएगा इस संबंध में बेल्जियम में साल 2003 में एक कानून पारित किया गया था इसके तहत परमाणु ऊर्जा को धीरे धीरे पूरी तरह बंद करना अनिवार्य है हालांकि आधुनिक परमाणु टेक्नोलॉजी पर काम चलता रहेगा तो ये थे आज हमारे के हमारे वीडियो के प्रश्न हमें उम्मीद है आपको अवश्य पसंद आए होंगे अगर आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप सुगम ज्ञान या हमारी वेबसाइट डब्ल्यू पर पढ़ सकते हैं पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आभार